नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। वर्ल्ड कप 2019 का दूसरा मुकाबला पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। वर्ल्ड कप में कमजोर मानी जा रही वेस्टइंडीज टीम ने पाकिस्तान को मात्र 105 रनों पर ढेर कर दिया और जिसके बाद स्कोर का पीछा करते हुए कैरिबियाई खिलाड़ियों ने लक्ष्य केवल 82 गेंदों में हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए विश्व कप की सबसे बड़ी हार में से एक है। पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर इनका खूब मजाक उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की अलग अलग मीम्स बनाकर खिल्ली उड़ा रहे हैं, जिसमें से एक ट्रोलर लिखता है कि पाकिस्तान राइट नाउ कि मुझे जिम्बाब्वे से मैच खेलना है, तो एक ट्रोलर लिखता है कि मैं किचन में पानी पीने गया और पाकिस्तान की बैटिंग मिस हो गई, और इसके अलावा एक ट्रोलर लिखता है कि ये क्या T20 हुआ भला, पाकिस्तान को किसने 20 ओवर से ज्यादा खेलने को दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को अपने पहले ही मैच में मिली हार के बाद उनके अपने लोगों ने भी खूब खरी खोटी सुनाई है, जिसमें कि पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता कपिल देव ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा, इमरान खान ने कहा था अपना 100% देने के लिए, लेकिन उन्होंने तो 105 दे दिया। तो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर लिखते हैं, स्पीचलेस हूं। तो वहीं पाकिस्तान के पत्रकार जाहिद हुसैन ने भी लिखा कि विश्व कप में पाकिस्तान की आपदाकारी शुरुआत। इनके अलावा क्रिकेट के जानकार मुजाहिद अरशद ने कहा, यह विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान की सबसे छोटी पारी है और 1992 के बाद सबसे छोटा स्कोर भी है। पाकिस्तान की इस छोटी पारी में सबसे ज्यादा फखर जमा और बाबर आजम ने 22 रनों का योगदान दिया, और इसके अलावा वहाब रियाज ने 18 और मोहम्मद हफीज ने 16 रनों की पारी खेली। इन चार बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक भी नहीं पहुंच सका, और गेंदबाजों में सिर्फ मोहम्मद आमिर ने ही 3 विंडीज के खिलाड़ियों को आउट किया और उनके अलावा किसी भी पाकिस्तान गेंदबाजों को सफलता नहीं मिली। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में हार से शुरुआत को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और वर्ल्ड कप से जुड़ी पल पल की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।